2019-20 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे, 2018-19 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो फ्री वीज बांटी गई उससे प्रदेश के खजाने को बहुत नुकसान हुआ। ये तरीका ठीक नहीं है मुख्यमंत्री का, दोष पीछे की सरकार को देना, दोष केंद्र की सरकार को देना। मुख्यमंत्री आप हैं, आज जिम्मेवारी आपकी है, आप जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। ये बार बार हर बात को लेकर के बहाना निकाल करके, बहाना बना करके रास्ता निकालने की कोशिश करना, ये अब प्रदेश की जनता आपको जो है वो ना सुनने के लिए तैयार है, ना मानने के लिए तैयार है। 2027 तक मैं जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे, और 2032 तक, वो मुझे बार बार कहते हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। सुबह बोलते हैं कि आर्थिक रूप से हम बड़े संकट में हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम संकट में नहीं है, आर्थिक रूप से कोई संकट नहीं है हिमाचल प्रदेश में, हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। तो ये सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है, उनको अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना छोड़ना चाहिए। व्यवहारिक जो स्थिति है प्रदेश की, उसको लोगों के सामने भी रखना चाहिए, उस पर स्पष्ट होना चाहिए कि ये स्थिति है, इस स्थिति में हम ये करने वाले। होता क्या है कि इन सैलरी और पेंशन को देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं, यानी कि 2000 करोड़ रुपए मेरा हम 7.5% पर ऋण उठाते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी होती है उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं, 2000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। आज महीने की 4 तारीख हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी कर्मचारियों को मिली नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। ये स्थिति अगर हम देखें तो सचमुच में प्रदेश की स्थिति आर्थिक रूप से अब बहुत खराब दौर में से गुजर रही है। डीजल पर इन्होंने वैट कम कर दिया था, जब हमने डीजल पर वैट को वापस उस जगह पर लाया उस समय उन्होंने कहा, डीजल पर जब वैट वापस आया उस समय उन्होंने कहा, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर जो थे केंद्र के, उन्होंने कहा कि सरकार ने वैट बढ़ा दिया, हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वैट बढ़ाया। मेरे ख्याल उस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर जो थे हरदीप पुरी जी थे, और हमने 3 रुपए डीजल के बढ़ाए। जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, सीमेंट की कीमतें बढ़ा रहे हैं, राशन की कीमतें बढ़ा रहे हैं, और सारी चीजों में जो इंक्रीज कर रहे हैं, बसों का किराया बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस सारी चीजों पे लगा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि एक पार्ट ये भी देखना चाहिए कि गरीब लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। चुनावी वर्ष था, फटाफट प्रदेश के खजाने को लुटाने का दायित्व पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने किया, फिर पानी के बिल सारे माफ कर दिए गए, और जो बड़े होटल थे उन्हें 1 रुपया सब्सिडी प्रति यूनिट बिजली के हिसाब से दी गई। चुनाव को सिर्फ 4 महीने रह गए तो 600 संस्थान खोल दिए गए, जो संस्थान चले थे वहां से कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रांसफर करके उनको संस्थान को चलाने की कोशिश की गई। इन सब के बांटने के बाद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने मुफ्त पानी लेने के बावजूद भी, मुफ्त बिजली लेने के बावजूद भी, और 50% महिलाओं को बस किराए में छूट देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने दिया। 2019-20 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे, 2018-19 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो फ्री वीज बांटी गई उससे प्रदेश के खजाने को बहुत नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब अधिकारियों ने मेरे पास राज्य सरकार का लेखा जोखा जो पिछली सरकार थी
रखा और मैंने उसी दिन से प्रयास किया और हमने एक साल में 20% अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। राजस्व का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, पिछले 5 साल से शराब के ठेकों को ऑक्शन नहीं की जाती थी और जब ऑक्शन नहीं की जाती थी उसको 10% के हिसाब से रिन्यू कर दिया जाता था, यानी कि 1500 करोड़ रुपए अगर साल में पूरे हिमाचल प्रदेश से आने होते थे तो 10% पर 150 करोड़ पर रिन्यू करके उन्हीं ठेकेदारों को दे दिया जाता था। मैंने सबसे पहला फैसला एक्साइज एंड टैक्सेशन के आधार को देखते हुए ऑक्शन किया और पहले ही साल हिमाचल प्रदेश सरकार को 485 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में 665 करोड़ रुपए का ही राजस्व आया। और उसके बाद डीजल पर इन्होंने वैट कम कर दिया था, जब हमने डीजल पर वैट को वापस उस जगह पर लाया उस समय उन्होंने कहा, डीजल पर जब वैट वापस आया उस समय उन्होंने कहा, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर जो थे केंद्र के, उन्होंने कहा कि सरकार ने वैट बढ़ा दिया, हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वैट बढ़ाया। मेरे ख्याल उस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर जो थे हरदीप पुरी जी थे और हमने 3 रुपए डीजल के बढ़ाए। इस तरह कई और हमने व्यवस्था परिवर्तन किया और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। और फिर हमने अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जो हमने राजस्व बढ़ाया था, जो हमने सुधार कदम उठाए थे, उसमें हमने पहली ही कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमने उसमें व्यवस्था की बजट की, क्योंकि जो पैसा जनता का लुटा दिया जाता था उसके माध्यम से, जो हमने शराब के माध्यम से 450 करोड़ कमाया, वो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उन कर्मचारियों की रिटायरमेंट के लिए लगाया जो बेचारे आज रिटायर होकर, जिनको 10,000 रुपया पेंशन मिलनी थी, आज वो 25,000 और 50,000 रुपया पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। हमने अपने 5 गारंटियां पूरी की, जो महिलाएं डिजर्व करती थी उन्हें हमने 1500 रुपया दिया। ये सब अपने संसाधन एक वर्ष में जो 2200 करोड़ कमाया उसमें से दिया। फिर हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, हमने कुछ कड़े फैसले किए और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की नींव पहले बजट में रखी। और आज मुझे खुशी है, जहां हमने इस आर्थिक संकट को काबू किया है, अब आर्थिक संकट को नियंत्रण करने के लिए फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य है, मैं खुद सरकारी कर्मचारी के परिवार से आता हूं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे और सैलरी देते थे, हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के रूप में 1200 करोड़ रुपया और जो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग है उनको 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की पहली तारीख को देते थे, यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते हैं। होता क्या है कि इन सैलरी और पेंशन को देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं, यानी कि 2000 करोड़ रुपए मेरा हम 7.5% पर ऋण उठाते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी होती है उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं, 2000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और
पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। और जो हमें केंद्र सरकार से शेयर आता है, जो हमारा केंद्र सरकार से शेयर आता है वो कब आता है, जो हमें पैसे मिलने चाहिए, जो हमारे राज्य का शेयर बनता है, चाहे आरडीजी है, तो 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है और 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आता है, वो आता है 10 तारीख को। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते हैं, वो बनता है 3 करोड़ रुपए। अगर एक महीने में हम 3 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं, तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत जरूरत थी। और हमने इसमें प्रयास किया और उस प्रयास के माध्यम से हर साल हम हर महीने 3 करोड़ रुपया बचाएंगे तो 36 करोड़ रुपया हमारा बचेगा ब्याज का, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन तो मिलनी है, पे भी मिलनी है, तो वो 36 करोड़ रुपया हम सरकार की किसी कल्याणकारी योजनाओं में लगा रहे हैं, जैसे कि हम विधवाओं के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त करके योजना लाए हैं, ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं। अब उस व्यवस्था को सुचारू रूप करने के लिए हमें 1 महीने ये कष्ट उठाना पड़ रहा था, और हमने इसके लिए कहा कि जो सरकारी कर्मचारी तो विभाग है, लेकिन जो बोर्ड है, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड निगम कॉरपोरेशन जितने भी होते हैं, बोर्ड निगम कॉरपोरेशन के सैलरी 1 तारीख को उनके अकाउंट में चलेगी और जो बोर्ड निगम पेंशन देते हैं वो पेंशन भी उनके अकाउंट में चली जाती है। हम तो ये कहते हैं कि जितने बोर्ड निगम कर्म है हमारे और लाभ कमा रहे हैं और लाभ कमाकर 20-20 करोड़, 5-5 करोड़, 2-2 करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, उन्हें अपने सरकारी कर्मचारियों का पूरा डीए भी देना चाहिए, पूरा एरियर भी देना चाहिए। ये हम ऐसी व्यवस्था भी आने वाले समय में करना चाह रहे हैं, और जो उनके ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल मेंबर है, उनको भी अच्छी सैलरी और अच्छी पैकेज देकर खर्च करना चाहिए, यह हमारा विचार है। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगले महीने से हम इसमें थोड़ा सा और सुधार करके 1 तारीख से सैलरी देने की प्रयास उसमें हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्होंने ईएमआई की विवश किश्तें देनी होती है, तो मैं इसमें भी गंभीरता से विचार करूंगा। लेकिन सैलरी के लिए और पेंशन के लिए लोन उठाकर 3 करोड़ दिया जाए, उसमें भी थोड़े सुधार की जरूरत है, हम उस दृष्टि से भी इसको काम करेंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की बड़ी खैर ख्वाह बनी हुई है, उस भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए था, क्या यह सत्य नहीं है कि आपने प्रदेश के खजाने को लुटाया है, क्या यह सत्य नहीं है कि आपने बिजली को फ्री कर दिया, और क्या यह सत्य नहीं है कि ताज होटल, वाइल्ड फ्लावर होटल और जो करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं 3-स्टार होटल, उनको 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली की सब्सिडी दी है, इससे क्या हुआ 2200 करोड़ रुपया हमें बिजली बोर्ड का देने के लिए हो गया, क्योंकि हमने एश्योरेंस दी कि हम सरकार 2200 करोड़ रुपया देगी चुनावों से पहले, और 2200 करोड़ रुपया हमें बिजली बोर्ड को देना, अगर हम 2200 करोड़ बिजली बोर्ड को नहीं देंगे तो उनकी सैलरी और पेंशन पर भी संशय खड़ा हो जाएगा। हमने 1 सितंबर से फैसला किया कि जितने भी होटल है जो इनकम टैक्स भी देते हैं उनकी बिजली की 1 रुपये की सब्सिडी को विड्रॉ कर लिया है, इससे हमारे राजस्व में 200 करोड़ रुपया आएगा। अभी एक पार्ट किया है बिजली में, 4 पार्ट में सब्सिडी को हम कम करने जा रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्रीज की बिजली को अभी हमने नहीं छुआ है, डोमेस्टिक के जो 125 यूनिट अभी हमने छुआ, पूरी तरह स्टडी करने के बाद, प्रूडेंटली सोचने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा, पानी माफ कर दिया गया, मतलब ताज वाला भी पानी का कोई बिल नहीं देगा, आपका
वाइल्ड फ्लावर हॉल का भी कोई बिल नहीं देगा, आपके जितने होटल है उनका कोई बिल नहीं आएगा, ये सब कब किए गए? क्या ये सत्य नहीं है? ये सब चुनावों से पहले किए गए। फिर हमारी बहनें थी, अगर हमारी बहनें सरकारी कर्मचारी है और बस में अपना बिल देना चाहती, इन्होंने कहा 50% महिलाओं को भी बस किराए में छूट दे देगी। फिर क्या किया, 3 रुपए बैठ के डीजल सस्ता करने के लिए इन्होंने वो भी माफ कर दिए। जो राज्य रेवेन्यू सरप्लस 2018-19 में था, जिस समय सरकारी कर्मचारियों की डीए की लायबिलिटी दी जानी चाहिए थी, डीए का एरियर दिया जाना चाहिए था, उस लायबिलिटी को और डीए के एरियर को सरप्लस होकर भी नहीं दिया गया, वो हमारे पर छोड़ दिया गया। हमने पहले स्तर पर 75 साल से ऊपर के सभी पेंशनधारियों के एरियर को 2 स्टेजेस में बांटने की बात की है। ये प्रदेश की जनता को जानना जरूरी है। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं। मैंने ये इसलिए 40 साल में पहली बार जनता के सामने लाया, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए ये संपत्ति आपका है, ये खजाना आपका है। चुनावों से पहले जो भी राजनीतिक दल इसको लुटा देता है, तब प्रदेश में इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं। और ये हमारा 19 महीने की सरकार के कठिन परिश्रम है। कई लोगों को हमारी बात से नाराजगी भी मिली होगी, पत्रकार बंधु भी गुस्से में आए होंगे, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम प्रदेश के हित में जो भी होगा हम सही फैसला करेंगे। किसी कर्मचारी का अहित हम नहीं देख सकते, और इसीलिए हम कर्मचारियों की जो डीए है, हमने उनसे प्रार्थना की है कि आप, इस समय हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है, अगर हम इसमें को थोड़ा सा भी ड्रेल कर देंगे, थोड़ा सा भी इसमें से कुछ ऐसी चीजें निकाल देंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था फिर नीचे की तरफ जाएगी। 6 महीने के अंदर हमें अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ है और जो तेजी से सुधार आ रहा है, वो प्रदेश के हित में है। 2027 तक मैं जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा है कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे, और 2032 तक, वो मुझे बार बार कहते हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जयराम जी आके स्टेटमेंट कुछ और देते हैं, बाहर कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि आर्थिक संकट, मैंने कभी नहीं कहा आर्थिक संकट पिछले साल का, पिछले साल आर्थिक संकट था, अब हमें फाइनेंशियल प्रूडेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है। ये डिसिप्लिन के तहत लिए गए फैसले हैं, और मैं हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को और 22 लाख और परिवार है जिसमें बागवान है, किसान है, महिलाएं हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि हम जो फैसले ले रहे हैं उससे आज शिक्षा के स्तर में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, क्वालिटी फूड देना चाहते हैं, क्वालिटी लाइट देना चाहते हैं, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं, तभी ये सब आत्मनिर्भर हिमाचल बनेगा और समृद्धशाली हिमाचल प्रदेश बनेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ।